नमस्कार, स्वागत है आपका बोल्ड स्काई में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी हो गई है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने कल अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की, जिसमें दीपिका और रणवीर एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। बहरहाल, दीपवीर की शादी के बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि दीपिका रणवीर संग साथ फेरे लेने के बाद अपने पति का नाम अपने सरनेम के साथ जोड़ेगी या फिर नहीं जोड़ेगी। अब दीपिका पति का सरनेम जोड़ती है या फिर नहीं जोड़ती, ये बाद की बात है। लेकिन अगर दीपिका अपने नाम में रणवीर का नाम या सरनेम जोड़ती है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसके असर होंगे। लेकिन रणवीर का नाम या सरनेम जोड़ने से दीपिका पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसका जवाब दिया है एस्ट्रोलॉजिस्ट संजय बीजुमानी ने। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर संजय बीजुमानी ने क्या कहा है। हिंदू परंपरा में शादी के बाद पत्नी अपने पति का सरनेम अपने साथ जोड़ती है। रणवीर सिंह का सरनेम भवनानी है। अगर शादी के बाद दीपिका इसे जोड़ती है तो उनके भविष्य पर बड़ा असर होगा। संजय बीजुमानी के मुताबिक दीपिका का नाम वैसे भी सिंह राशि का है। इसके मुताबिक ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। उनका पूरा नाम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक नंबर का है, जो कि परफेक्ट है। अगर दीपिका रणवीर का आर या फिर सरनेम को अपने नाम से जोड़ती है तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बदल जाएगा। जुमानजी ने दीपिका को सलाह दी है कि वो अपने नाम में कोई बदलाव ना करे। जी हाँ, जुमानजी ने कहा है ना तो वो रणवीर का नाम अपने नाम के साथ जोड़े, ना ही रणवीर का सरनेम, क्योंकि इससे उन पर बड़ा असर होगा और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जुमानी का कहना है कि दीपिका को अपना ओरिजिनल नाम ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यही उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। दीपिका और रणवीर की शादी के बाद ट्विटर पर इस बात की बहस चल रही है कि दीपिका शादी के बाद अपना नाम बदलेगी या दीपिका के नाम के साथ पादुकोण नाम जुड़ा रहेगा। आपको ये भी बता दें कि सोनम कपूर ने शादी के बाद अपने पति आनंद के नाम का पहला वर्ड अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। लेकिन वही अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली संग शादी के बाद नाम में कोई बदलाव नहीं किया। अब निगाहें दीपिका पादुकोण पर है। क्या दीपिका पादुकोण शादी के बाद अपने नाम में बदलाव करेगी या उसे पहले की तरह ही रखती है। बात अगर दीपिका और रणवीर की रिसेप्शन पार्टी की जाए तो शादी के बाद दीपिका और रणवीर के दो रिसेप्शन होंगे। पहला 21 नवंबर को उनके होम टाउन बेंगलुरु में होगा, वहीं दूसरा 28 नवंबर को मुंबई में होगा, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शिरकत करेंगे। बहरहाल, अब शादी के बाद निगाहें रिसेप्शन पर टिकी हैं। देखना होगा उसमें दीपिका और रणवीर का लुक कितना पसंद आता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।